विकासखंड चरगावा पर गुरुवार को ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान की अध्यक्षता में विशेष संचारी रोग नियंत्रण पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया, जिसका शुभारंभ चरगावा ब्लॉक पर किया गया। उन्होंने कहा कि इस विशेष पखवाड़ा अभियान के जरिए डेंगू से होने वाले बीमारियों के लिए सभी जगहों पर छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद संचारी रोग से नियंत्रण के बारे में लोगों को जागरूक करना है, जिससे संचारी रोग पर नियंत्रण पाया जा सके। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी चरगावा आनंद गुप्ता, सहायक खंड विकास अधिकारी धनंजय कुशवाहा, आशा वर्कर, ANM प्रधान और पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चरगावा के ब्लॉक प्रमुख सुनील पासवान ने कहा, अभी हम मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ रखना है और उस फैसिलिटी में अगर हम उसको भेज के हम उसकी लाइफ को बचा सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों के संपर्क में जो भी पेशेंट आए उसको आप एडवाइस करिए कि आप ब्लड इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। अभी क्यूमुलेटिव जो हमारे पास फिगर है वो आज तक का डाटा हमारे पास है, पूरे ब्लॉक में 625, मतलब हमारा थोड़ा सा एरिया अर्बन भी, मतलब हेल्थ विभाग अर्बन भी देखता है, अर्बन और रूरल ज़्यादा, तो वो उससे हमको बचना है। ऐसा नहीं हम खुश हो गए कि जहाँ पे केसेस नहीं वहाँ केसेस नहीं निकलेंगे। जो भी अभी HU साहब ने सावधानी बताया उसमें 100% हमको फॉलो करना है, क्योंकि वायरस से बचने का एक ही उपाय है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें, हैंड सैनिटाइजेशन करें, और सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव है तो हैंड वॉश है, क्योंकि जो बैक्टीरिया वायरस का जो वो है लोड, वो मतलब जो आउटर लेयर है वो फैट का बना होता है। जैसे ही आप अच्छी तरीके से जो 6 स्टेप बताया आप अच्छे से हैंड वॉशिंग करते हैं तो 100% जो है वायरस मर जाता है। तो सबसे ज़्यादा अगर इफेक्टिव है और सबसे इजी और सबसे सस्ता अगर चीज़ है तो सोप है, तो साबुन से आप हाथ धुलिए ज़्यादा बेटर है। अगर हाथ नहीं धुलने का वो है, जैसे हम लोग OPD बैठते हैं तो नहीं कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ पे है तो हम सैनिटाइजेशन 70% अल्कोहल का प्रयोग कर सकते हैं, घरों को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, चूँकि विशेष संचारी रोग COVID-19 ये किसी से छुपा नहीं है, ये विश्वव्यापी के रूप में ये जाना जाता है और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसके विशेष नियंत्रण के पखवाड़ा के रूप में अहम भूमिका निभाते हुए अपने स्थानीय ग्राम प्रधान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, अपने माननीय पार्षद के माध्यम से, आप जैसे मीडिया कर्मी के माध्यम से, अपने जनपद के, अपने प्रदेश के सभी सक्षम अधिकारियों के माध्यम से, उनके दिशा निर्देशों के क्रम में ये बचाव का एक नियंत्रण पखवाड़ा है। जैसे डेंगू भी आप जानते होंगे गंभीर बीमारी के रूप में है, इंसेफ्लाइटिस, मस्तिष्क ज्वर, ये सब आज से नहीं, आज से मैं देखते चला आया हूँ, लेकिन आज के डेट में जो गोरखपुर की जनता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि इंसेफ्लाइटिस जैसे महामारी से लड़ते हुए गोरखपुर कितना अपने आप को सक्षम मजबूत रखने का कार्य किया, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में गोरखपुर का प्रथम स्थान होना चाहिए। यह कार्यक्रम कब से कब तक चलेगा? 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश में निर्धारित है।